अगर आप अपने कारोबार बिजनेस के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश खत्म होती है डीजेड सिटी पर, जहां आपको हर तरह के कारोबार बिजनेस के लिए कमर्शियल स्पेस अवेलेबल है, जहां आप स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीनों कैटेगरी के कारोबार बिजनेस के लिए कमर्शियल स्पेस लेकर अपने कारोबार बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां आपको आपकी इन्वेस्टमेंट भविष्य में एक अच्छा रिटर्न देगी। जल्दी कीजिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज कमर्शियल स्पेस के लिए डीजेड सिटी के सेल्स गैलरी या फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। थाने में मनपा और अन्य जगहों पर महिलाओं का दमन करने वाला रावण राज मुमरा की एपीआई कृपाली बोरसे के ट्रांसफर मामले पर बोले थाने शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 29 जनवरी को कांग्रेस के डॉक्यूमेंटेशन कैंप में आए थे ठाणे कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण। उस मौके पर एमएमआरडीए के घोटाले को उजागर करने वाली मुमरा पुलिस स्टेशन की असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कृपाली बोरसे के ट्रांसफर पर उनसे सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने न केवल कृपाली बोरसे बल्कि ठाणे मनपा, जिससे ये एमएमआरडीए का घोटाला जुड़ा हुआ है, उसी की दो महिला सहायक आयुक्त कल्पिता पिंगड़े और प्रणाली घोंगे। कल्पिता पिंगड़े माजीवड़ा मानपाड़ा की सहायक आयुक्त थी और एक हॉकर ने उन पर चाकू से हमला करके उनकी तीन उंगलियां काट दी थी, मगर उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है। वहीं अवैध निर्माणों पे कलवा में कड़ी कार्रवाई करने वाली सहायक आयुक्त प्रणाली घोंगे का राजनीतिक दबाव के चलते तबादला कर दिया गया। अब उसके बाद थाने में इसी तरह से दमनकारी नीतियों का शिकार बनी है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कृपाली बोरसे, जो मुमरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत थी। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा ठाणे शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट विक्रांत चव्हाण ने, सुनिए। अध्यक्ष जी, जो मुमरा में एक महिला कर्मचारी अधिकारी का जो ट्रांसफर हुआ है, उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये रावण राज चालू है। आपने देखा कि ठाणे महानगर पालिका में रावण राज चालू है। एक महिला अधिकारी कल्पिता पिंपरे पर हमला होता है और उसको प्रोटेक्शन भी दिया नहीं जाता है। प्रणाली घोंगे का ट्रांसफर किया गया एएमसी कलवा से इलीगल कंस्ट्रक्शन के तहत, फिर इसकी ट्रांसफर की गई अपनी क्या बोलते हैं वो अश्विनी वाघमय डीएमसी एनक्रोचमेंट, इसकी ट्रांसफर थोड़े दिन पहले कर दिए, और डीएमसी एनक्रोचमेंट फिर अशोक बुरकुली जी को बनाया गया, और यहाँ पे बोरसे मैडम जो पीएसआई है एपीआई इसके ट्रांसफर, ये जो एमएमआरडीए घोटाले में आयो थी उसके ट्रांसफर की गई। ये समझ जाने का कि महिलाओं पर अत्याचार है, ये महिलाओं के खिलाफ राजनीति चालू है, अच्छे काम के खिलाफ राजनीति चालू है, और इसमें पूरी तरह ये सत्ताधारियों का हाथ है, एक मंत्री का हाथ है बस। सर, कांग्रेस संगठन में क्या भूमिका होगी इस संदर्भ में? हम विरोध करेंगे और अपील करेंगे महिलाओं से, महिला बहनों से, कि इसके आगे इनके इनको चुनके मत दो।